मुंबई के मीरा रोड में बड़ी हैवानियत, लिव इन पार्टनर के टुकड़े कर कुकर में उबाला, कैसे हुआ इस वारदात का खुलासा, कौन है साइको किलर, क्यों की ऐसी हत्या। मुंबई के मीरा रोड इलाके में स्थित ये वही आकाश गंगा सोसाइटी है जिसके फ्लैट नंबर 704 में एक ऐसे जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे और आपको श्रद्धा वाकर मर्डर केस की यादें ताजा हो जाएंगी। दरअसल आकाश गंगा सोसाइटी के फ्लैट नंबर 704 में मनोज साहनी नाम का ये 56 वर्षीय अधेड़ अपनी 32 वर्षीय लिव इन पार्टनर के साथ रहा करता था। ये फ्लैट इसने 3 साल पहले किराए पर लिया था। पड़ोसियों को इसके फ्लैट से पिछले कुछ दिनों से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी जो पिछले 2 दिनों से ज्यादा तेज महसूस होने लगी थी। पड़ोसियों ने जब इसका फ्लैट खुलवाने की कोशिश की तो इसने उनको वहां से वापस भेज दिया। इस पर पड़ोसियों का शक और गहरा गया और उन्होंने पुलिस को इसकी तत्काल सूचना दी। पुलिस जब इनके फ्लैट में घुसी तो उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि फ्लैट के किचन में कुछ बर्तनों और बाल्टी में भरकर इंसानी मांस के टुकड़े रखे हुए थे जबकि कुछ मांस के टुकड़ों को कुकर में उबाला गया था। वेनेसडे को मैं आफ्टरनून में आया ऑफिस से तो बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी, बहुत ज्यादा मतलब खिड़की विंडो से सब जगह से स्मेल आ रही थी। तो मैंने उनका घर जाके नॉक किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था, अंदर थे वो, ताला नहीं लगा था। सेकेंड टाइम जब नॉक किया तो रूम फ्रेशनर मारे पूरा मेरे घर में, तब शक हो गया मुझे कि कुछ गलत है, नहीं तो खोल के बात करते ना अगर कुछ ऐसा रहता तो, अगर डक वक की स्मेल आ रही तो बात करते कि डक भर गया है तो बाहर आ रहा है। तभी भी नहीं खोला उन्होंने, 5-10 मिनट में खड़ा रहा, उसके बाद नीचे चला गया। नीचे गया तो 15-20 मिनट वो खुद भी आए नीचे ले जाने के लिए बैग भी लेके। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा कुछ है शायद आपके घर में स्मेल आ रही है, मेरे घर में स्मेल आ रही है, सब रहते हैं थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, एक बार देख लेते अपने घर में शायद कोई खिड़की पे कोई चूहा हुआ मर गया रहेगा, टैरिस से गिर विर के कुछ भी। तो उनने रिस्पॉन्स नहीं बोला, मेरे को अर्जेंटली जाना है बाहर। तो मैंने बोला एक 5 मिनट देख लेते उसमें क्या है, फिर आप चले जाना। बोले नहीं अर्जेंट जाना, मैं 10:30 बजे आता हूँ, फिर आप देखते क्या कर सकते। ठीक है जाओ। तो मैंने बिल्डिंग में बोल दिया सेक्रेटरी चेयरमैन को कि ऐसे ऐसा इशू है, क्योंकि स्प्रे जो मारा था ना स्प्रे के बाद खोला भी नहीं और डायरी को बाहर, और जब वो नीचे उतरे थे। पुलिस ने आरोपी मनोज साहनी को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतका का नाम सरस्वती वैद्य था जिसकी उम्र 32 वर्ष थी। बताया जा रहा है कि आरोपी मनोज साहनी पिछले कुछ दिनों से इंसानी मांस के टुकड़े कुत्तों को खिला रहा था ताकि वो सारे सबूत मिटा सके। गीता हाइजीन करके सोसाइटी है, वहाँ पे 7वीं फ्लोर 7वीं मंजिल से एक फ्लैट है, वहाँ से बदबू आने का इन्फॉर्मेशन लोकल पुलिस को मिला था। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स और स्टाफ ने जाके वहाँ पे देखा, वहाँ से बदबू आने की जो इन्फॉर्मेशन थी वो कन्फर्म की। वहाँ पे लॉक तोड़ के उन्होंने जब एंट्री किया तो किचन में बहुत सारे यूटेंसिल और बकेट में वहाँ पे चॉप किए हुए बॉडी पार्ट्स मिले हैं। उसमें बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा रिवील हो चुका था कि एक कपल था, लिव इन रिलेशन में रह रहा था उधर, उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, अक्यूज्ड को भी अरेस्ट किया गया। जो डेड बॉडी के पीसेस मिले वो एनालिसिस के लिए हमने जेजू हॉस्पिटल में भेजे हैं। इस घटना के आधार पर जो इन्फॉर्मेशन मिला उस बेसिस पे हमने नया नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी सेक्शन 302-201 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन सीनियर पीआई श्री वनकुटी कर रहे हैं। अपनी 32 वर्षीय लिव इन पार्टनर की हत्या और उसकी लाश के टुकड़े करने के बाद इस साइको किलर ने उसको कुकर में उबालना शुरू कर दिया था ताकि उसकी बदबू ना फैले। इस बीच वो उन टुकड़ों को धीरे धीरे ठिकाने भी लगाने लगा था, लेकिन उसकी ये योजना फेल हो गई और सोसाइटी में फैली बदबू के कारण वो पकड़ा गया। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि उसने ऐसा क्यों किया था, लेकिन जल्दी ही पुलिस की तफ्तीश में ये बातें भी साफ हो जाएंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।